हेलो तो दोस्तों, क्या हाल है सब के। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं ए रीड। तो लास्ट गेम प्ले में मेरे एक नो सेंस की गलती के कारण अपना पूरा गेम का यहाँ पे सत्यानाश हो गया था। बिकॉज हमें यहाँ पे इस माइंड का जो एंट्रेंस है इसको सही करना था, बट यहाँ पे जितने भी मुझे जरूरी चीज़ें चाहिए थी उन सबको मैंने यहाँ पे ओके ठीक है, ये तो मैंने वापस से अभी जगह जगह जाके ढूंढ लिया था, बट लास्ट टाइम मैंने इन सबको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। मेरे को लगा यहाँ पे जमीन पे गिर जाएगी, बट नहीं, वो वहीं के वहीं पे गायब हो गई भाई। इसलिए मुझे जगह जगह ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग गए ये सारी चीज़ें वापस से ढूंढने में। एंड अभी हमें वापस से जाना है कुछ और चीज़ें ढूंढने के लिए, मतलब ढूंढनी नहीं है, बस उनको एक जगह से दूसरे जगह पे लाना था। बिकॉज अपने बैग का जो वज़न है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अभी इसमें से कुछ सामान इस चेस्ट में रखते हैं, बाकी जो भी हमें चीज़ें चाहिए उनको लेके आते। ओके ओके तो मेरा टारगेट ये है कि जितने भी खाने की चीज़ें हैं और पीने की चीज़ें वो ले जाऊँ, बिकॉज इसके अंदर भूख बहुत ही ज़्यादा लगती है इसको। और मेरे पास यहाँ पे जगह रहने के लिए, थोड़ी सी और एनर्जी लाने के लिए मेरे पास एल्कोहल भी है, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। बट इससे जो है अपनी, मतलब कि जो पानी की जो है कैपेसिटी वो कम हो जाती है एंड खाने की जो है वो कम हो जाती है, बट अपने अंदर तंदुरुस्ती आ जाती है भाई, अपने अंदर फुर्ती आ जाती है इस गेम के लॉजिक के हिसाब से। ओके अभी ज़्यादा बातें नहीं करता, ये सारे सामान यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ एंड उसके बाद चलता हूँ वो बाकी सारे सामान लेने के लिए। ओके अभी यहाँ पे सारे सामान यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर दूँ एंड उसके बाद में जो है अपने बैग का वज़न है वो कम हो जाएगा एंड उसके बाद में आराम से हम वो सारे चीज़ें, वो सारा सामान हम ला पाएंगे बिना किसी मुश्किल की। ओके 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 जल्दी से हो जा भाई। ओके अभी ये चेस्ट तो फुल हो चुका है एंड इसके पास में एक छोटा सा चेस्ट एक और है जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत सामान और रख देते हैं। और वैसे अपने पास सारा सामान है माइन एंट्रेंस को रिपेयर करने के लिए, बट अपने पास जो है एक लास्ट स्ट्रॉन्ग रोप नहीं है। और स्ट्रॉन्ग रोप बनाने के लिए हमें चाहिए किसी जानवर का लेदर एंड ऑयल जो कि अपने पास है एंड ये नॉर्मल वाली रोप। सो इन सबको मिला के हम क्राफ्ट कर लेंगे स्ट्रॉन्ग रोप को, उसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं आएंगी। बट उससे पहले जो सामान की बात कर रहा था वो लेके आ जाऊँ एंड इन सारों को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बट मैं कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा यहाँ पे। ओके जस्ट ए मिनट। ओके ठीक है मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ इनको, मुझे लगा ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। ओके इसको भी यहाँ पे रख देते हैं एंड मुझे वापस से भूख लगने लगी है इसलिए इसको यहाँ पे ईट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एल्कोहल पी लेता हूँ जिससे मुझे आंखें थोड़ी सी चौंधिया जाए भाई, थोड़ी सी जो है। ओके मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, इसको यूज़ नहीं किया क्या। ओके भाई यूज़ पे क्लिक कर भाई, यूज़ पे। ओके मेरी आंखें यहाँ पे चौंधिया गई है बट मुझे भूख लगने लग गई यहाँ पे इसके चक्कर में वापस से। ओके कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे, इतनी तो हमने पे एनर्जी है कि वो सारा सामान हम यहाँ पे ले आए। ओके लेट्स गो, मेरे हिसाब से इतने में जो है वो सारा सामान ले आएंगे हम। ये रुको ये सीड्स खा लेते हैं, इससे मुझे थोड़ी सी और ताकत मिलेगी। ओके लेट्स गो अभी अपना काम हो जाएगा, अभी मैं भी जो हम यहाँ से जा सकते हैं। एक दो सामान और रख दो यहाँ पे, दो चीज़ें और रख सकता हूँ तो ये यहाँ पे रख देता हूँ एंड ये बोन्स भी यहाँ पे रख देता हूँ सारी। ओके लेट्स गो अभी वो सारा सामान लेके आ सकते हैं, बट यहाँ पे नाइट हो चुकी है भाई, लेकिन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है अभी, सो हम आराम से जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके वैसे मैं जाटो से ही रास्ते पे रहा हूँ ना, बिकॉज बहुत बार यहाँ पे रास्ते खो चुका हूँ मैं भाई एंड बार बार से मैं नहीं खोना चाहता यहाँ पे। ओके मैं सही जा रहा हूँ, वहाँ पे एक कुआ भी, हम लास्ट टाइम भी गए थे वहाँ पे जहाँ पे कुआ था पानी का, उसी जगह की बात कर रहा हूँ मैं। मे भी वो इसी साइड है, पता नहीं भाई, एक तो नाइट हो रखी है सो मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा। ओके यहाँ पे तो क्लीन वाटर है, यहाँ पे एक और प्लांट है इसको उठा लेता हूँ। ओके यहाँ से पानी पी लेता हूँ, बिकॉज सामने क्लीन वाटर का बैरल पड़ा है सो वापस से भर लूँगा इसको। ओके भाई मुझे लग रहा है मैं खो जाऊँगा, इससे तो अच्छा मैं पहले जाके वो एंट्रेंस ही क्लियर कर लूँ एंड उसके बाद में कभी टाइम मिलेगा तो वो सामान लेके आऊँगा, बट भाई वो बहुत ही सारा सामान था
मतलब कि लकड़ियाँ वगैरह एंड जितनी भी चीज़ें हमने ढूंढी थी वहाँ पे, वो सारा सामान उसमें था। ओके यहाँ पे नहीं आया क्या मैं पे? नहीं ठीक है, आ गया आ गया, यहाँ पे भी आ गया था मैं। मे भी यहाँ पे भी एक टूटा हुआ बेड है जहाँ पे मैं सो सकता हूँ, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सोए। इससे अच्छा भाई मैं जाके जो है उस सामान को यूज़ करूँ एंड उस माइन एंट्रेंस को यहाँ पे बिल्कुल सही कर दूँ एंड उसके बाद में यहाँ से आगे चलूँ। मे भी यहाँ से निकलने का वही एकमात्र रास्ता हो। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन में परिवर्तन है। अपना प्लान है अभी कि हम पहले माइन एंट्रेंस को जो है सही करें एंड बाकी काम बाद में करेंगे। तो उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग रोप बनानी होगी यहाँ पे एंड उस रोप को लेके चलते अपने क्राफ्टिंग टेबल पे, जो कि है अपने र्यून वाले शेल्टर के वहाँ पे, जो कि हमें ये रस्सी चढ़ के जाना होगा जो इस साइड में अभी ले चलूँगा, तुम्हें टेंशन मत लो। ओके लेट्स गो, यहाँ से रोप ले लेता हूँ एंड लेट्स गो यहाँ से चलते। ओके ठीक है, रोप मेरे पास है, मेरे पास चाकू है, पहले से बिग के अंदर पड़े ये सब एंड अपने पास इसको काट के वहाँ पे। ओके ठीक है चलो क्राफ्टिंग टेबल पे चलो अभी एंड एक स्ट्रॉन्ग रोप बनाते हैं। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके ओके, हमें यहाँ से जो है ऊपर चढ़ना। अभी ये रही वो रोप, मैं भी तुम्हें ना दिख रही हूँ, पास में जाने के बाद दिख जाएगी, टेंशन ना लो। ओके ये रही वो रोप जहाँ से हमें ऊपर जाना है अभी। वैसे नाइट का एक फायदा है कि यहाँ पे बार बार से सन की एक्सपोजर से नहीं बचना होता हमें, वरना दिन में जो है पूरे दिन सन जो है तंग करता रहता है भाई। इतनी गर्मी पड़ती है इस रेगिस्तान में, पूरा तप जाता है भाई यहाँ पे। बार बार से छाया में रुको एंड वापस से स्टार्ट करो, छाया में रुको वापस से स्टार्ट करो भाई, यही होने लगता है बार बार से। ओके हम आ चुके हैं अपने र्यून वाले सेल्टर पे एंड यहाँ से अभी मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल को यूज़ कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा यहाँ पे सो भी लूँगा, जिससे कि जो है मेरी आंखें वापस से चौंधिया जाए एंड हम जो है थोड़े से वापस एनर्जेटिक हो जाए। ओके यहाँ से मैं लेदर निकाल लेता हूँ, बाकी जो चीज़ें मिलेगी उन सारों को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ओके अभी मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रोप बना सकता हूँ बिकॉज मेरे पास लेदर है, मेरे पास रोप है एंड ऑयल है। ओके लेट्स गो, अभी अपना काम हो जाएगा एंड अभी जो है हम अपनी माइन एंट्रेंस को यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। ओके लेट्स गो, अभी यहाँ पे जो है अपना बेड है वो रिपेयर है, सो यहाँ पे सो जाता हूँ एंड उसके बाद में सुबह भी हो जाएगी एंड साथ ही साथ अपनी आंखें भी यहाँ पे चौंधिया जाएगी। और एक तो यहाँ पे जब भी सोता हूँ तो भाई सोते सोते मेरी भूख एंड पानी की प्यास यहाँ पे बढ़ जाती है, बट अपने पास यहाँ पे पोर्ट है जो कि बिल्कुल क्लीन वाटर से भरा हुआ है, सो जो हमारे पानी की तो कोई टेंशन नहीं है। ओके गाइस अभी यहाँ पे सुबह हो चुकी है, भाई साहब सुबह होते से ही गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर। ओके यहाँ से जो मैं पानी पी लेता हूँ एंड उसके बाद में मेरी इस बोतल को वापस से भर लूँगा मैं यहाँ से। ओके लेट्स गो, अभी भूख लग रही है भाई, भूख से ना मर जाऊँ कहीं मैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ईट भी कर लेते हैं यूज़। ओके सो गाइस हमने यहाँ पे ईट भी कर लिया, अपनी आँखें भी बिल्कुल चौंधिया सी गई है एंड हम पूरे एनर्जेटिक है अभी। और भाई लास्ट टाइम एक और बात भाई, लास्ट टाइम मैं क्या ही नॉनसेंस वाली हरकतें कर रहा था। इन सोल्ट को मतलब कि इस नमक को मैं चावल समझ के खा रहा था एंड मेरी एनर्जी डाउन पे डाउन होती जा रही थी। भाई कितना बेवकूफ हूँ मैं भाई। ओके भाई बीती बातों को भुला देते हैं एंड यहाँ से चलते। अभी इस चूनों को यहाँ से उठा लेता हूँ, पता नहीं क्या है ये भी खाने जैसी कुछ चीज़ है, चिंगम जैसी एंड अपना पेट विस्काचा भी यहीं पे, इसको भी पका के ले जाऊँ क्या यहाँ से? ओके छोड़ो अभी भाई, विस्काचा तेरा घर यहीं पे, अभी तो कहीं भी जा सकता है, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया बिकॉज मैं भी यहाँ से आज़ाद होने जा रहा हूँ इसलिए। ओके लेट्स गो, ये क्लोथ भी ले लेता हूँ भाई, इस क्लोथ को भी हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैं जब भी इसके पास जा रहा था तभी कोई मतलब कि आ नहीं रहा था साइन, क्योंकि मैं इसको ऊपर करके नहीं देख रहा था माउस को एंड फिर पता चला कि मैं इस क्लोथ को भी यूज़ कर सकता हूँ भाई। यहाँ पे सन एक्सपोजर शुरू भी हो चुका है, यहाँ पे सन की गर्मी का असर पड़ना भी शुरू हो चुका है मेरे ऊपर, बट कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी हम माइन एंट्रेंस को यहाँ पे रिपेयर कर लेंगे एंड जो है उसके बाद में हम यहाँ से निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से। बट यहाँ पे सुबह हो चुकी है तो मुझे लग रहा है कि भाई मैं वो सामान लेके आ सकता हूँ सुबह में जो है, मैं वो रास्ता शायद से जो याद कर पाऊँ, मुझे याद आ जाए भाई एक बारी से। यहाँ पे भूख भी लग रही है, बट हमने जो है वैसे भी एक और विस्काचा को काट लिया तो उसका मांस हम खा सकते हैं कोई। ओके ठीक है मैं समझ गया कहाँ से जाना था, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, बहुत ही पास है। हम इस साइड जा रहे थे नाइट में, बट हमें जाना था इस साइड में, सो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वो रास्ता, बस बहुत ही पास है, बहुत ही पास, आसानी से लेके आ जाएंगे उनको।
बिकॉज वहाँ पे जो है बहुत सारा भाई, बहुत सारा ऑयल पड़ा था, ऑलमोस्ट 10 कैंटीन का तो ऑयल था वहाँ पे, एंड बहुत सारी लकड़ियाँ एंड बाकी चीज़ें पड़ी थी। बट उससे पहले मुझे भूख लग गई है तो यहाँ पे कुछ ईट कर लेता हूँ, चिंगम जैसी चीज़ें ये खा लेता हूँ, चुनो नाम है इसका इसमें। ओके लेट्स गो, मेरी भूख यहाँ पे मर चुकी है, मिट चुकी है मतलब, एंड अभी मैं यहाँ से जा सकता हूँ। भाई ये रहा, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते से ही वो चेस्ट मुझे दिख जाएगा जहाँ पे मैंने रखा है सामान। ओके लेट्स गो, बस इसके नीचे यहाँ से। ओके ये जगह है ना भाई, मेरा कष्ट तो नहीं गया वापस से बता। ओके ओके गाइस, यही जगह है भाई, यही जगह है। मुझे लगा कि वापस से जो है मुझे घूम के जाना होगा कहीं, बट नहीं, ये वही जगह है जहाँ पे मैंने सामान रखा था लास्ट टाइम। और वैसे मैं हुक वगैरह जो मैंने घुमाए थे वो वापस से ढूंढ रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी भाई, ये मेरे से और बड़ी गलती हो गई। बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिखाना ही भूल गया भाई, तुमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करी इस कारण से। ओके लेट्स गो गाइस, हमने सारा सामान यहाँ पे रख दिया, एंड यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा हुक तक मिल चुका था वहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे इतने सारे हुक हैं। तो ओके लेट्स गो, अभी यहाँ से जा सकता हूँ मैं। ओके मैं पानी पी लेता हूँ, यहाँ पे कुआ है तो वापस से अपनी बोतल भर लूँगा फिर। भाई यहाँ पे क्या ही प्यास लगती है दिन में बार बार से। ओके लेट्स गो, अभी जा सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं ऊपर चढ़ के देखा था, एंड यहाँ पे भी एक हुक मिला था मेरे को। ओके मैं कहाँ से आया था, भूल गया क्या वापस? अबे कहाँ से आया था मैं, इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ? ओके इस साइड, ओके इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। ओके ओके गाइस, ओके मिल गया मिल गया मिल गया रास्ता में भी मेरे को। ओके मैं इस साइड से आया था मैं भी। ओके ओके गाइस, फाइनली 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 मुझे रास्ता मिल चुका है, एंड मैं इस साइड से आया था। ओके 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 लेट्स गो, मैं इसी साइड से आया था। भाई साहब ये रेगिस्तान कितना भूल भुलैया जैसा है भाई, इतनी आसानी से रास्ते भटक गया मैं, मतलब कि 5-10 मिनट लग गए मेरे को ये रास्ता ढूंढने में वापस। या तो मेरा दिमाग ही कमज़ोर है, या भाई ये सच में ये रेगिस्तान बहुत ही बड़ा भूल भुलैया है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं फर्स्ट या 1-2 बार आया हूँ यहाँ पे, मैं कम से कम 5 से 6 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। 2 बार तो लास्ट गेम प्ले में आ जा चुका था, एंड जब भी ऑफलाइन खेल रहा था तभी उस टाइम भी 2-3 बार आ गया यहाँ पे मैं। ओके फाइनली वैसे रास्ता मिल ही चुका है, अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे देख के चलना होगा, मुझे कुछ चीज़ें साइन वगैरह यहाँ पे याद रखनी होगी, कौन सी चीज़ें कहाँ पे एंड कौन सी चीज़ें कहाँ पे। ओके लेट्स गो गाइस, हम वापस से यहाँ पे आ चुके हैं, एंड अभी जो इस माइन एंट्रेंस को मैं रिपेयर कर सकता हूँ, एंड यहाँ से मैं जा सकता हूँ वहाँ की। ओके लेट्स गो, यहाँ से अभी मैं सामान उठा लेता हूँ सारा। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना बैग फुल्ली भर चुका है, एंड ये बता रहे थे कि ये बैग जो है टीयर 3 पे भर चुका है। अभी मेरी स्पीड देखो भाई, एक चीटी से भी कम हो चुकी है, एक एंट से भी कम हो चुकी है मेरी स्पीड। मैं जंप तो कर पा, ओके ठीक है गाइस मैं जंप तो यहाँ पे कर पा रहा हूँ वैसे। ओके और भाई मेरी भूख भी तेज लगने लग गई, इस बैग को उठा के चल रहा हूँ, इतनी दूर जाने में भाई मुझे 2 से 3 मिनट लग जाएंगे भाई इस स्पीड से चला। बट कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी हम इसको रिपेयर कर लेंगे, एंड उसके बाद में अपना बैग यहाँ पे खाली हो जाएगा। ओके लेट्स गो, अभी जाके इसको रिपेयर करते हैं, एंड उसके बाद में नीचे जाके देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें नीचे। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ही मिलना चाहिए भाई, और तो क्या ही मिलेगा। ओके कहाँ पे ऑप्शन आएगा भाई इसको रिपेयर करने का? ओके ठीक है ऑप्शन आ चुका है, एंड इसको अभी रिपेयर करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस अपना बैग यहाँ पे टीयर 2 का आ चुका है, एंड अभी जो है मैं नीचे जा सकता हूँ, बट उससे पहले इस टिकेट्स को भी यहाँ से उठा लूँ। ओके रेगिस्तान टाटा, बाय 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 चिड़ियो। ओके टाटा मैं जा रहा हूँ नीचे। और भाई साहब यहाँ पे चिड़ियों का झुंड उड़ रहा है पूरा ऊपर से, क्या ही मस्त लग रहा है भाई, अमेजिंग बिल्कुल। वैसे इतने बड़े रेगिस्तान में और इतने खाली से रेगिस्तान में तुम क्या ही खाते होगे भाई? अपने आसपास में मुझे यहाँ पे बस 2 विस्काचा मिले थे, और कुछ नहीं मिला मेरे को। ओके ठीक है नीचे कैसे जाऊँ भाई, मुझे नीचे नहीं गिरना सीधा भाई, मैंने गेम भी सेव नहीं किया था। ओके यहाँ पे एक बैग पड़ा है, इस बैग के अंदर भी चीज़ें रख सकता हूँ वैसे, मेरा टीयर 2 का बैग भी मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे रख देनी चाहिए भाई। ओके ये बोन्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ओके ठीक है अभी भी टीयर 2 का ही बता रहा है मेरा बैग भरा हुआ। ओके अभी कितनी स्पीड है? ओके अभी ठीक ठाक स्पीड है भाई। ओके ठीक है आराम से जा सकता हूँ मैं, रुको 1 मिनट किस साइड से नीचे उतरूँ बट। ओके गाइस अभी मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ से, एंड लेट्स गो, देखते हैं कि इस बार हमें नीचे क्या मिलता है। लास्ट टाइम नीचे गए थे तो नीचे मरे हुए गए थे, सीधा जिंदा नहीं गए थे। ओके बट इस बार हम जाएंगे जिंदा बिल्कुल। ओके अपना ऑब्जेक्टिव अभी अपडेट हो चुका है, फाइंड द एग्जिट एंड
Escape the cave. ओके ठीक है, हमें Down यहाँ went पे Alice, never once एग्जिट ढूंढना considering है how स्केव and का, बट why उससे she पहले explained it स्केव में out नीचे तो again. उतर जाऊँ मैं पूरा। ओके लेट्स गो गाइस, यहाँ पे जो अंधेरा है वो फुल हो चुका है, और मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे ऑयल लैम्प ले ली थी, मतलब कि ऑयल के केन ले लिए थे मैंने। अच्छा किया भाई, वहाँ पे जाके जो है मैंने सारा ऑयल यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। ओके मेरा ऑयल कहाँ पे? ओके ये रहा भाई, मुझे ऑयल दिखाने एक बारी से मुझे लगा मैं इस पूरे अंधेरे में क्या करूँगा। एंड अभी जो है मेरी मशाल में थोड़ा सा ऑयल भर लेता हूँ, एंड उसके बाद में यहाँ पे जला के देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। और ओके यहाँ पे जैसे ही ऑयल जलाऊं भाई, चमगादड़ उड़ के निकल, मतलब कि जैसे ही मशाल जलाऊं भाई, चमगादड़ उड़ के बाहर ना निकले बस। ओके भाई साहब नीचे चेस्ट देखो भाई, ये किसके निशान है भाई? अबे यहाँ पे वो ये गेम वो सर्वाइवल कैसे हो गया? निकलो भाई यहाँ से, यहाँ पे कुछ तो ब्रो ये सर्वाइवल से हॉरर गेम भी से हो गया। ओके ठीक है, यहाँ पे मार्क लगे हुए जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। Easy does it. No. ओके ओके मेरे पास ये थी वैसे कुल्हाड़ी, तो मैं निकल सकता हूँ यहाँ से बाहर। भाई ये गेम यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो मैं देख सकता हूँ भाई। ओके यहाँ पे छुपने की जगह क्या है? ओके यहाँ पे मेरी हेल्थ फुल कर ले भाई साहब। अबे वो फिर भी मुझे देख पा रहा है, भाई 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 ये गेम पूरी कैसे हो गया? बिल्कुल से मेरी हेल्थ जीरो हो गई है भाई। ओके ठीक है, मुझे सामने थोड़ा सा उजा। ओके ठीक है, वो पानी का निशान है भाई, मुझे लगा कि ओके अभी भी जो है यहाँ पे। अबे मेरे पास पिकैक्स नहीं है, पिकैक्स कम ऑन। ओके ठीक है, है भाई। ओके लेट्स गो, ट्रैवल करके निकलना होगा मेरे को। ओके गाइस यहाँ पे उजाला है, ओके मुझे सामने उजाला दिख रहा है यहाँ पे। Looks like they left this place in a hurry. भाई साहब, बट अभी भी जो है मेरे यहाँ पे खतरे का निशान आ रहा है भाई, मैं कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। ओके 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 यहाँ पे रस्सी है, यहाँ पे रस्सी है, यहाँ पे रस्सी है, यहाँ पे रस्सी है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई साहब ये गेम। ओके गाइस हम यहाँ पे जो है ऊपर आ चुके हैं, एंड यहाँ पे अभी भी खतरा बता रहा है मेरे को, बट उससे पहले भाई मैं थोड़ी सी हेल्थ फुल कर लूँ मेरी। यहाँ पे मेरे पास और कुछ नहीं है भाई यूज़ करने के लिए, खाने से हेल्थ फुल होती है क्या मेरी? नहीं गाइस यहाँ पे मेरी हेल्थ फुल नहीं हो रही। ओके ठीक है, यहाँ पे अभी मेरी हेल्थ तो फुल नहीं है, बट अपनी एनर्जी फुल है यहाँ पे, बिकॉज मैंने खाना यहाँ पे ऐड कर लिया था, एंड यहाँ पे बहुत सारे। ओके गाइस यहाँ पे अपना खतरा जा चुका है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी ढूंढने के लिए भाई, मुझे कुछ नहीं मिला नीचे। भाई साहब क्या सीन है ये। ओके यहाँ पे जो कुछ भी मिल रहा है वो सारा यहाँ पे मैं टेक कर रहा हूँ, एंड उसके बाद में देखते हैं मुझे यहाँ पे नीचे आना मतलब कि अच्छा है या बुरा मेरे लिए पता नहीं चला मेरे को अभी तक। ओके यहाँ पे डर्टी वाटर था, इसको मुझे सही करना होगा वाटर फिल्टर यूज करके। ओके अभी मेरे पास गंदा पानी है भाई भरा हुआ, सो मैं इसको यूज भी नहीं कर सकता यहाँ पे। ओके गाइस सामने भी मुझे उजाला, मैंने लाल सही से कर तो लिया था ना एक्सप्लोर, वैसे पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, एक बार वापस से जाके चेक कर लेता हूँ। ओके छोड़ो भाई क्या ही चेक करूँ, वापस से खतरा ना आ जाए कहीं, मेरी हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा कम है अभी, मुझे जल्दी से कुछ बैंडेजेस वगैरह या फर्स्ट एड वगैरह खरीद के ढूंढना होगा। ओके वापस से ऑयल भर लूँ मैं अपनी मशाल में। ओके लेट्स गो, वापस से भूख लगने लगती है मेरे को यहाँ पे, और मेरी स्पीड भी जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, मुझे कुछ ईट करना होगा यहाँ पे भाई। यहाँ पे मेरे मांस के भी दो ही टुकड़े बचे हैं बस, मुझे इसको पका लेना चाहिए था वैसे। I can feel that last one coming back up. ओके लेट्स गो भाई, यहाँ पे एक और खतरा है भाई, जल्दी निकलो वे, यहाँ पे गैस छोड़ी हुई है किसी ने खतरनाक वाली।
जहरीली गैस। ओके भाई, मुझे लग रहा है मैं मर ना जाऊँगा यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर कुछ भी करके भाई, अभी जल्दी से गैस हट जा भाई, मेरी हेल्थ जा रही है बड़ी भयंकर। ओके लेट्स गो, यहाँ पे एक रस्सी है मुझे सामने दिख रही है, एक रस्सी। यहाँ पे भी चेक करूँ क्या इसके अंदर कुछ मिल जाए मेरे को। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, बट टेक होल कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट है, बट उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी जहरीली गैस भी है भाई। यहाँ पे भाई मैं सन से बचा है, एंड यहाँ पे जो है, ओके यहाँ पे नाइट हो रखी है वैसे। I can't. Not like this. ओके भाई 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 भाई, 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 भाई। यहाँ पे वापस से खतरा बढ़ रहा है मेरे लिए। ओके गाइस, मैं वापस से बाहर आ चुका हूँ यहाँ, बट ये जगह पे नहीं होना चाहिए। ओके लेट्स गो। ओ नहीं 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 भाई साहब, नीचे कैसे गिर गया मैं वहां से, पता नहीं भाई क्या सीन था ये। से मैंने लास्ट टाइम सेव किया था, एंड अभी जो मेरी हेल्थ यहाँ पे बहुत ही कम है, और वो खतरा जो है वो नीचे की साइड है यहाँ से, एंड आगे जो है बहुत ही बड़े बड़े खतरे भाई। सामने जहरीली गैस आएगी वापस से। यहाँ पे सही से चेक कर लो भाई, लास्ट टाइम मैं सही से चेक करके नहीं गया था यहाँ पे। ओके ये सारा यहाँ से ले लेता हूँ। ओके गाइस, लास्ट टाइम जो है मेरे अच्छे पानी के अंदर मैंने डर्टी पानी भर लिया था, बट इस बार जो है मैं कोई गलती नहीं करूंगा, इस बार वो डर्टी वाटर के हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं, बिकॉज मेरे पास डर्ट मतलब कि फ्रेश वाटर की अच्छी खासी मतलब कि बोतल भरी हुई है, तो मैं सो मी नो टू वेज अबाउट इट। ओके इट्स व्हाई डिडंट इट कम आफ्टर मी। ये बे यार, ये बार बार से ये क्यों बुझे जा रही है भाई मेरी मशाल। इस बार फुल पेट्रोल भर लेता हूँ भाई, इस बार मेरे पास फुल पेट्रोल है वैसे भी। ओके लेट्स गो, अभी जो है मैं बहुत ही साफ देख पा रहा हूँ, बिकॉज अपनी मशाल बिल्कुल फुल स्पीड में जली हुई है। यहाँ पे मुझे वापस से भूख लगने लग गई भाई, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बार बार से इन्वेंट्री यहाँ पे ओपन करनी पड़ रही है। चलते भाई यहाँ पे वापस से, जहरीली गैस स्टार्ट हो चुकी है। ओके बैरल के अंदर कुछ है, ठीक है वापस से इनको टेक करना होगा, तो इनको टेक कर लेते हैं। लेट्स गो यहाँ से वापस ऊपर चलूँ पहले, या फिर इन सामान को यहाँ पे लूँ। ओके ठीक है, चेक कर ही लूँ भाई, इतने खास चीज़ें नहीं मिल रही जो कि मुझे नॉर्मल रेगिस्तान में मिल जाए, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। फालतू में नीचे आया था भाई, फालतू में इतनी सारी चीज़ें ढूंढी थी मैंने, बट अगर नहीं ढूंढता तो मुझे पता भी नहीं चलता भाई यहाँ पे भूत का भी खतरा है भाई। ओके लेट्स गो, अभी ऊपर चलते हैं, इस बार कोई गलती नहीं करूंगा भाई। लास्ट टाइम तो नीचे गिर गया था पता नहीं अपने आप से, बट इस बार ऐसी गलती नहीं होने वाली मेरे से। ओके मैं यहाँ से कहीं से बाहर आ चुका हूँ। अबे नीचे क्यों, नॉट दिस वे, नॉट दिस वे प्लीज। नीचे क्यों गिर रहा हूँ भाई बार बार से, मैं नीचे क्यों गिर रहा, समझ में नहीं आ रहा भाई वहां से नीचे क्यों गिर रहा हूँ बार बार से, मैं पता नहीं पूरा ऊपर चले जा रहा हूँ एंड बार बार से नीचे गिरे जा रहा हूँ मैं। ओके पहले भाई मैं पेट्रोल ही भर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से आगे जाऊँगा फुल पेट्रोल। यहाँ से ईट भी कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे बार बार से जो है अपनी इन्वेंट्री यहाँ ओपन ना करनी पड़े। ओके वो सामान मुझे वापस से कलेक्ट करनी होंगे यहाँ पे आगे से, ये रहे। ओके लेट्स गो टेक। ओके इस कपड़े को भी यहाँ से ले लेते हैं, टेक होल। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है वैसे भी। वापस से ऑयल लेना होगा मेरे को, तो अभी आ सकता हूँ मैं यहाँ से आगे। ब्रो इस बार नीचे नहीं गिरूंगा, पता नहीं भाई मैं बार बार से नीचे क्यों गिरे जा रहा हूँ, नीचे क्यों गिरे जा रहा हूँ, नीचे क्यों गिरे जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। अबे मेरी स्पीड धीरे कैसे हो गई। ओके ठीक है, मेरी यहाँ पे जो भागने की शक्ति कम हो गई इसलिए। ओके ठीक है, वापस से शक्ति को फुल करते हैं, भागते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है ढूंढने लायक यहाँ से सीधे। ओके तो लास्ट टाइम जो है मैं मतलब ये कच्चा मांस खा रहा था, इस कारण से जो है मेरी हेल्थ यहाँ पे कम हो रही थी। ओके आई गेट इट, इस बार जो है मैंने एक ही टुकड़ा खाया था मांस का, एंड इस बार मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। ओके ओके भाई वो मेरी गलती थी मतलब कच्चा मांस खाने की। ओके रुको, यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ वापस से मैं, एंड रुको अब भी कहाँ से जाना है मुझे, मशाल जलाने दो, कहाँ पे रास्ता। ओके गाइस ये रहा, लेट्स गो। ओके मैं बाहर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे थर्ड तीसरे अटेम्प्ट में जो है मैं बाहर आया हूँ, एंड यहाँ पे कुछ रास्ता लिखा हुआ है अल्टूनो भाषा भी क्या लिखा हुआ। नो एंट्री, अनदर वार्म वेलकम।
पता नहीं यहाँ की क्या भाषा में लिखा है, बट यहाँ पे एक और हुक मिल चुका है मेरे को, इसको उठा लेता हूँ मैं। लेट्स गो। अभी मुझे क्या करना है? द माइनिंग टाउन डजंट सीम्स डेट लार्ज बट मे बी समवन स्टिल लीव देयर, लुक फॉर हेल्प। ओके गाइस, यहाँ पे जो है और कोई रहता है अपने अलावा, तो उसी को हमें यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे ओके ठीक है, ये वही लिखा हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट अपडेट होने के बाद भी वही लिखा हुआ है। ओके भाई, पता नहीं यहाँ पे क्या सीन है, पूरा का पूरा जो है बदल चुका है माहौल। मुझे जहाँ तक ये सर्वाइवल गेम लग रहा था, अभी वो चेंज हो चुका है एक हॉरर गेम के अंदर भाई। एंड हॉरर गेम से मेरी कितनी पड़ती है, तुम मेरे पुराने गेम प्ले देख के पता कर सकते हो भाई। मैंने तो वो गेम भी कंप्लीट नहीं किया था वहाँ। Is that a town? It's a town. Okay. I hope they have a radio. Okay, guys. Okay. Finally, हमें कुछ ऐसा दिखा है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत थी। It's a town. Okay, guys. हमें यहाँ पे एक टाउन मिल चुका है, एंड यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं जिससे कि हम यहाँ पे बच सकते हैं। ओके ओके गाइस, ओके लेट्स गो। यहाँ पे पूरा का पूरा टाउन है, एंड यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव भी जो है अपडेट हो चुके हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है भाई, इस बार हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी होंगी। इस बार यहाँ से बाहर निकलना है, तो उससे पहले मुझे सोना होगा भाई। मेरी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं यहाँ, मतलब कि पीली पड़ चुकी है, लाल हो जाएगी बहुत ही जल्दी। सो इस पूरे टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी मेरे को खोलने से। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, एंड थोड़ा बहुत हार्ड मारने के बाद मुझे ये वाला घर मिला है। मैंने पूरा मैप तो यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया है, बट मुझे ये घर मिला है, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सो नेक्स्ट गेम प्ले में अपने एक्सप्लोरेशन की शुरुआत यहीं से करेंगे, इस टाउन की। सो अगर तुम्हें ये गेम प्ले पसंद आया हो तो प्लीज़ से इसको एक बार लाइक कर देना, और भी इसे गेम प्लेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, बिकॉज उससे मेरे को अच्छा लगता है। ओके, अभी चलता हूँ वापस से अपने बेड की तलाश में, बिकॉज मुझे नींद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट तुम लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।